Are you a beach person or mountain person? Well, अगर आप एक बीच और ओशन पर्सन है तो आपको समुद्र की गहराई में छुपे कुछ डरावने सच को भी जान लेना चाहिए। ये सच समुद्र की गहराई में इंसानों का बेसब्री से इंतजार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशन में रहने वाले उन जानवरों की जो सतह पर कम और पानी की गहराई में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये जानवर इतने डरावने और भयंकर होते हैं कि अगर एक बार इंसानों का इनसे एनकाउंटर हो जाए तो उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन लकीली अगर कोई इंसान अपनी सूझबूझ से इनसे बचने में कामयाब भी हो जाए तो वो इंसान आगे से ओशन से तो दूर ही रहना पसंद करेगा। तो अगर आप ओशन के खौफनाक सच को सुनने के लिए तैयार हैं, तो चलिए देर ना करते हुए मिलवाते हैं आपको मोस्ट स्केरी मरीन मॉन्स्टर से। नंबर 10, फ्रिल शार्क। ओशन में डीप डाइव करने वालों का भी कोई नाइटमेयर होगा तो वो डेफिनेटली शार्क से एनकाउंटर ही होगा, क्योंकि पानी में रहने वाले सभी जानवरों में शार्क इकलौती ऐसी क्रीचर है जो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझती और बेरहमी से इंसान हो या जानवर किसी को भी अपना खाना बनाने के लिए तैयार रहती है। देखा जाए तो शार्क भी कई तरह की होती है और उन्हीं में से एक है फ्रिल शार्क, जो दिखने में आपकी सोच से भी ज्यादा डरावनी है। आप इस शार्क से रियल एनकाउंटर तो छोड़िए, वर्चुअल एनकाउंटर में भी डर के मारे कांप उठेंगे। इस शार्क को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। इस शार्क में ईल के पूरे पूरे फीचर्स है। इसके जॉ में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 25 कर्व्ड रेजर शार्प टीथ एक रो में लगे हैं, जिनसे ये अपने खाने के टुकड़े टुकड़े कर उसे हजम कर जाती है। वैसे अगर आप इनके बारे में सोचकर काफी डर गए हैं, तो फिक्र करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मरीन मॉन्स्टर पानी के सतह पर कभी नहीं देखी जाती। ये अधिकतर पानी की गहराई में ही रहना पसंद करती है और वही इसे जो कुछ खाने को मिलता है उससे अपना काम चलाती है। नंबर 9, डीप सी ड्रैगन फिश। डीप सी ड्रैगन फिश, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक ऐसी फिश है जो दिखने में बेहद डरावनी लगती है और पानी की गहराई में रहना पसंद करती है। ये समुद्र के उन कोनों में रहने के काबिल है जहां नॉर्मल से काफी ज्यादा प्रेशर बना रहता है और जहां हर सी क्रीचर सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ काफी अंधेरा, प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस कारण इन तक पहुँचना काफी डिफिकल्ट है। हालांकि इस फिश के पास काफी सारे यूनिक फीचर्स होते हैं, जिस कारण ये डीप सी में इजीली सरवाइव करना जानती है। यही नहीं, इसके पास खुद की एक लाइट भी होती है, जिससे ये घने अंधेरे में भी अपने प्रे को इजीली अट्रैक्ट कर पाती है। इसकी जॉ काफी बड़ी और फ्लेक्सिबल होती है, जहां इसके काफी शार्प और बड़े दांत होते हैं। ये अपने बड़े मुंह से इतने बड़े प्रे को भी खा सकती है जितना आप शायद सोच भी ना पाए। शायद इसलिए ही इसे सबसे खतरनाक सी क्रिएचर्स में से एक माना गया है। नंबर 8, पैसिफिक वाइपर फिश। डीप सी मॉन्स्टर्स में नेक्स्ट पैसिफिक वाइपर फिश है, जो दिखने में ही बाकी के सी क्रिएचर्स की तरह डरावनी और वियर्ड है। ये गहरे पानी में रहने के लिए जानी जाती है, जिसकी हाइट की बात करें तो वो करीब 1 फुट तक बढ़ती है। ये दिखने में एक लंबी और सुई जैसे दांतों वाली एक मॉन्स्टर लगती है, जो हमने केवल फिल्मों और बच्चों के कार्टून्स में ही देखी है। हालांकि गहराई में रहने वाली ये मछली ड्रैगन फिश की तरह लगती है, जो अपने प्रे को बड़ी बेरहमी से मारने के लिए जानी जाती है। इस मछली के दांत इतने बड़े हैं कि वो इसके मुंह में पूरी तरह से फिट भी नहीं होते हैं, लेकिन अपने उन दांतों की मदद से ये किसी बुलडॉग जितना बड़ा बाइट करने में माहिर है। नंबर 7, अटलांटिक वॉलफिश। कई बार कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दिखने में इतने डरावने नहीं होते जितना कि उनका अटैक। अब ऐसे ही जानवर और क्रिएचर्स पानी में भी पाए जाते हैं, जिनमें हम बात कर रहे हैं अटलांटिक वॉलफिश की, जो दिखने में इतने डरावनी नहीं है, लेकिन इसके ज्यादा पास जाना आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। ये मछली पूरी तरह से मांसाहारी है, जो अपनी भूख के आगे किसी जानवर या इंसान में फर्क करना नहीं जानती है। इनकी जॉ इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि एक बार ये किसी को अपने जबड़े में जकड़ ले तो उसका छूट पाना नामुमकिन ही हो जाता है। इनके दांत भी बाकी के क्रिएचर्स की तरह काफी खतरनाक है, जिनसे ये अपने प्रे को आराम से हजम कर पाती है। हालांकि इनके पास एक खास ताकत ये भी है कि इनके गले में भी दांत होते हैं, जो इनके लिए शिकार को आराम से चबाने में मदद करते हैं। साथ ही ये फिश एक ईल शेप की होती है, जो कि ह्यूमन जितनी टॉल हो सकती है। नंबर 6, फैंग टूथ फिश। अगर आप नॉर्मली भी फैंग टूथ फिश के बारे में सर्च करेंगे तो पहले आप इसके अपीयरेंस को देखकर ही सहम जाएंगे और चाहेंगे कि कभी भी समुद्र के मजे लेते वक्त एटलीस्ट आपका इससे तो सामना ना ही हो। हालांकि वैसे तो इस फिश के काफी बड़े बड़े दांत होते हैं,
इसका मुंह भी पूरे टाइम खुला रहता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये गहरे पानी में रहना पसंद करती है, जिस कारण ह्यूमन लाइफ को इन फिश से कोई खतरा नहीं है। ये मछली दिखने में एक बदसूरत पिराना जैसी लगती है, जिसके टीथ इसके साइज के किसी भी मरीन एनिमल से काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे ये अपने साइज से काफी ज्यादा बड़े जानवरों को भी मारने और खाने में कामयाब है, जबकि इसका ओवरऑल साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है। नंबर 5, एंग्लर फिश। एंग्लर फिश को देखकर नो डाउट कि आपको फाइंडिंग नीमो फिल्म की याद आ जाएगी। ये मछली इस फिल्म में बड़े अच्छे से दिखाई गई है, जो अपने बॉबिंग ल्योर यानी फुदकने के स्टाइल से अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए जानी जाती है। हालांकि फिल्म से हटकर जब आप इस मछली को असलियत में देखते हैं, तो आपको एक काफी डरावनी नजर आएगी, जिसके बड़े बड़े दांत हर वक्त अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं। एंग्लर फिश पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, कहीं कहीं ये पानी के सरफेस से जुड़ी होती है, तो कहीं इन्हें गहरे पानी में रहना पसंद होता है। इस मछली के भी बड़े और नुकीले दांत होते हैं, जो कि अंदर की साइड रहते हैं, लेकिन बाहर से साफ दिखते हैं। बात अगर इनके साइज की करें, तो वो करीब 2 से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, यानी कुछ एंग्लर फिश इससे भी काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, और ये अपने से डबल साइज के प्रे को भी हजम करने के लिए जानी जाती है, जिस कारण भी इन्हें खतरनाक माना जाता है। नंबर 4, ब्लैक स्वॉलोवर। पानी के नीचे रहने वाले कई सारे मरीन क्रिएचर्स काफी छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने से इनके घिनौने और खतरनाक होने का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही डीप सी क्रिएचर में से एक है ब्लैक स्वॉलोवर, जो कि किसी सी मॉन्स्टर जैसी लगती है, जो किसी दूसरे सी मॉन्स्टर तक को खाने के लिए सक्षम है। दिखने में ये काफी गंदी लगती है, जो खाना खाने से पहले काफी पतली होती है, लेकिन अपना डिनर करते ही ये अपने नॉर्मल साइज से 10 टाइम ज्यादा बड़ी हो जाती है। यही नहीं, ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाने के लिए भी जानी जाती है, जिस केस में इनका अनडाइजेस्टेड खाना सड़ने लगता है, जिस कारण इसका वेट काफी ज्यादा हो जाता है और इसके अंदर गैस भर जाती है, जो इसे सी की एकदम निचली सतह पर लापटकती है, जिस कारण इसकी मौत भी हो जाती है। नंबर 3, स्नेगल टूथ। सी मॉन्स्टर की इस लिस्ट में अब बात करते हैं स्नेगल टूथ फिश की, जिसकी लंबी बॉडी, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ और डरावनी शक्ल इसे एक मॉन्स्टर क्रिएचर का खिताब दिलाने के लिए काफी है। इस सी एनिमल के पास एक कमाल की खूबी है, दरअसल इसके पास एक बायोल्यूमिनेसेंट प्रोजेक्शन है, जो इसकी चिन से अटैच्ड है। अपने इस फीचर के थ्रू ये फिश आराम से अपने प्रे को अट्रैक्ट कर लेती है और फिर उस पर वार करके उसे अपना खाना बनाती है। अक्सर इस फिश का कलर ब्लैक पाया जाता है, जहां इसकी आंखें भी काले रंग की होती है और इसके दांत किसी पिन की तरह शार्प दिखते हैं। नंबर 2, मॉन्क फिश। इस लिस्ट में अधिकतर सी क्रिएचर्स के नाम उनके अपीयरेंस पर रखे गए हैं, लेकिन इस मछली का नाम मॉन्क पर क्यों रखा गया है, यह तो हमारी समझ से परे है। ये मछली देखने में काफी ज्यादा घिनौनी और अजीब दिखती है, हालांकि ह्यूमन जिसे अपने डिनर में खाना भी पसंद करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मॉन्क फिश की कई डिशेस बनती है, जिस कारण इनकी हंटिंग की जाती है। पर यह मछली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पानी से निकलने के बाद भी अटैक करने से बाज नहीं आती, यानी जब तक ये जिंदा है तब तक ये अपनी हंटिंग स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करती है। इनके बड़े और चौड़े मुंह होते हैं, जिसमें छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं, जो इसके प्रे को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए परफेक्ट है। ये मछली अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेती है, लेकिन जब बारी इसकी आती है तो ये अपनी बॉडी को सैंड में छुपाना जानती है, जिससे कोई इसका शिकार ना कर सके। यही नहीं, ये मछली इतनी शातिर है कि यह अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करने के लिए भी जानी जाती है। नंबर 1, ग्रेनेडियर्स। फाइनली मिलिए हमारी इस लिस्ट की आखिरी सी मॉन्स्टर से। हम बात कर रहे हैं ग्रेनेडियर्स की। ये एक ऐसी मछली है जो दिखने में चाहे काफी शांत और सिंपल सी लगे, लेकिन ये शिकार कमाल का करती है। ये फिश उन मछलियों का भी शिकार करने के लिए जानी जाती है, जो अपनी लाइट से अपने प्रे को अट्रैक्ट करती है। ये मछली लाइट से अट्रैक्ट होती है। इनकी आंखें भी इतनी तेज होती है कि हल्की सी भी लाइट को तुरंत पकड़ लेती है, जिस कारण ये दूसरी शिकारी मछलियों को भी नहीं छोड़ती। आज के समय में ये सबसे स्केरियस सी क्रिएचर्स में से एक मानी जाती है, जो अच्छे खासे साइज की होती है। इनका साइज करीब 3 फीट लंबा हो सकता है और ये पानी में करीब 600 से 13,000 फीट तक की गहराई में रह सकती है।
तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।